नमस्कार, मेरा नाम सुमेध है एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। वैसे ये कोई प्रॉपर रिव्यू वीडियो तो नहीं है। आज मैं निकला था MG एंड वॉक्सवैगन शोरूम विजिट करने के लिए, क्योंकि मुझे लेना था एक गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए। एंड ऑल वीडियो क्लिप्स आर रिकॉर्डेड बाय माय वाइफ। तो कुछ इधर उधर हो गया तो या फिर अनस्टेबल वीडियो आपको देखने को मिला तो मुझे माफ़ कर देना भाइयों और बहनों। MG मोटर के अंदर जाते ही सबसे पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ा सा हाय हेलो, उसके बाद एक फॉर्मेलिटी वाला फॉर्म फिलअप जहाँ पे मैंने अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स डाल दिया। उसके तुरंत बाद ही मुझे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव असिस्ट करने आ गए, जिससे मैंने अपना कुछ रिक्वायरमेंट और बजट के बारे में बताया। फिर उनके साथ कुछ फीचर्स के बारे में बात हुआ, लाइक कौन से फीचर्स किस वेरिएंट में आते हैं वगैरह वगैरह। वैसे जिस कार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कार आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस सुमित पावर कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, क्योंकि वो क्या है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलो आज इस MG हेक्टर के बारे में कुछ बात करते हैं। वैसे ये कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन सोचा कि बैठे बैठे क्यों मैं इसको एक्सप्लोर करता जाऊँ। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है यार, स्पेशली इसके अट्रैक्टिव ग्रिल, बीच में इतनी का बड़ा सा लोगो, बोनेट के ठीक नीचे आपको DRL और इसके थोड़ा सा नीचे आपको बम्पर पे डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट जो आइस क्यूब जैसा लग रहा है मुझे, और फॉग लाइट भी मिल जाता है। ग्रिल और हेडलाइट हाउसिंग के चारों तरफ क्रोम का अच्छे से यूज़ भी किया गया है। अभी साइड में चलते हैं और साइड से ये गाड़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि चारों तरफ से बॉडी क्लैडिंग दिया हुआ है। टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो 215/55 R18 का है, साथ में डायमंड कट अलॉय व्हील आपको मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक इन द फ्रंट व्हील। वैसे साइड से देख के आपको लगेगा नहीं ये 5-सीटर है, क्योंकि साइज में काफ़ी बड़ा है। बाकी मेरे चेहरे से तो आपको लग ही रहा होगा कि ये जो हंसी है ये हंसी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट की वजह से। देन आपको रूफ रेल तो दिख ही रहा होगा, और ये है गाड़ी की चाबी, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब चलो पीछे चलते हैं। भाई साहब, पीछे तो बूट स्पेस देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। वैसे रेयर सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हो, उससे क्या है ना बूट स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गया था कि बूट में आपको एक बूट लाइट और स्पेयर व्हील आपको बॉडी के नीचे मिल जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग और क्लोजिंग वाला सिस्टम ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। बाकी हेक्टर का रेयर लाइट को ऑडी क्यूफी जैसा नहीं लग रहा है, कमेंट बताओ प्लीज़। और ये है हेक्टर की मैसिव इंफोटेनमेंट सिस्टम्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और सिस्टम में क्या नहीं है, बस आप बस नाम बोलते जाओ और मैं बस हाजिर करता जाऊँ। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इनबिल्ट मैप, कुछ थर्ड पार्टी एप्स, वैले सिक्योरिटी मोड, 360 पार्किंग व्यू और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाता है। और ये है आपकी मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, और ये है आपकी सनवाइजर जहाँ पे दोनों को ड्राइवर और ड्राइवर सीट के लिए मिरर और लाइट भी आपको मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हेक्टर के लेदर अपहोल्स्ट्री में मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। बाकी ये है आपकी वायरलेस चार्जिंग पैड, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशंस, गियर लीवर एंड देन डुअल कप होल्डर, आर्म रेस्ट विद अ सॉफ्ट टच, और इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टोरेज भी मिल जाता है आपको, 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल गया आपको। और इसके बाद वेंटिलेटेड सीट का ना जो बटन है वो थोड़ा सा अलग जगह पे मुझे दिखा। और ये रहा आपका ओवरऑल डैशबोर्ड, सेंट्रल कंसोल का लुक्स आपको डेफिनेटली पसंद आने ही वाला है। अब चलते पीछे, और ये है रेयर सेंटर आर्मरेस्ट विद डुअल कप होल्डर। और जितने भी हेडरेस्ट आप देख पा रहे हो ना वो तीनों ही एडजस्टेबल वाला है। पीछे का सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और मुझे नहीं लगता कि आपको लॉन्ग जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा लेग रूम, सफिशियंट हेड रेस्ट और डिसेंट आपको थाई सपोर्ट तो यहाँ पे मिल रहा है।
रेयर डॉट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी पियानो फिनिशिंग का एक थोड़ा सा टच मिलेगा, आर्मरेस्ट में सॉफ्ट टच, एक लीटर की बॉटल स्पेस और एक स्पीकर थोड़ा सा नीचे और एक ट्विटर आपको थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा। बाकी ये है कुछ ओवरऑल अपडेट एमजी हेक्टर के बारे में। उसके बाद मैं निकल गया टेस्ट ड्राइव व्हीकल को चलाने के लिए, जिसका वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो यार, और वैसे अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं इसमें और मिलेंगे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, एंड जय हिंद, थैंक यू।